ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूं, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। उत्तर प्रदेश जल निगम ने कुछ दिन पहले सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में डोनेशन दिया है कोरोना से लड़ने के लिए, 1.47 करोड़ का डोनेशन। एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आशुतोष टंडन सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ा सा चेक देते दिख रहे थे। तस्वीर में निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गोथलवाल भी थे। अब हम अगर आपको बताएं कि इतना बड़ा अमाउंट डोनेट करने वाले इसी निगम ने अपने कर्मचारियों को 3 महीने की सैलरी नहीं दी है तो आप क्या कहेंगे? इंडिया टुडे के नीलांशु शुक्ला ने जानकारी दी कि कर्मचारियों को फरवरी, मार्च और अप्रैल की सैलरी नहीं मिली है और जो पैसे डोनेट किए गए हैं वो भी इन कर्मचारियों की सैलरी में से काटे गए। यूपी जल निगम एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के चीफ स्पोक्स पर्सन डीपी मिश्रा ने बताया, हमें बताया गया था कि जल निगम को आर्थिक रूप से दिक्कत हो रही है और इसी वजह से हमारी सैलरी में देरी हो रही है। हमें कोई दिक्कत नहीं है कोविड-19 फंड में डोनेट करने में, लेकिन 3 महीने की सैलरी और पेंशन अभी तक नहीं दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पैसे रिलीफ फंड में दिए गए वो सभी कर्मचारियों की फरवरी महीने की 1 दिन की सैलरी और पेंशनर्स की 1 दिन की पेंशन है। ये पैसे सैलरी और पेंशन से काटे गए हैं। डीपी मिश्रा ने बताया, एक तरफ सरकार कह रही है कि सैलरी टाइम पर मिलनी चाहिए लेकिन हमें नहीं मिली, कोई आश्वासन भी नहीं मिला। विभाग को हर महीने सैलरी और पेंशन के लिए 73 करोड़ रुपए रिलीज करने हैं लेकिन पिछले साल से हमें कोई ड्यू भी नहीं मिल रहा, बोनस भी नहीं मिल रहा है और जो डोनेशन दिया गया है उसके बारे में भी कोई हमें जानकारी नहीं दी गई। मामले में जल निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर MD विकास गोथलवाल का कहना है कि फरवरी महीने की सैलरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, बाकी पैसा भी जल्दी दिया जाएगा। वो बोले, कर्मचारियों को उनके काम के लिए कमीशन भी मिलता है लेकिन लॉकडाउन के कारण सब रुका हुआ है, कर्मचारियों की दिक्कतों को जल्दी हल किया जाएगा। इसके अलावा द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक विकास ने कहा कि डोनेशन के लिए सैलरी में से कटौती कर्मचारियों की सहमति से हुई थी। उन्होंने बताया कि स्टेट के 10 जोनल इंजीनियर्स को इस बारे में एक एडवाइजरी के जरिए जानकारी दी गई थी। उन्होंने अपने जोन के कर्मचारियों को इसके बारे में बताया था। जब कर्मचारियों के ऑर्गेनाइजेशन ने हामी भरी तब उनकी 1 दिन की सैलरी काटी गई। निगम में करीब 12,400 कर्मचारी और 12,600 पेंशनर्स हैं। आपका इस मामले पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesltd@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।